एक वॉशर, उसके बाद एक किक क्रैंच सेट, मतलब इसी के माध्यम से आपका जो किक है वो यूज़ करता है। ये इस किक हम इसको घुमाते हैं, ये बेल के थ्रू इसको घुमाता है, ये आपका टायर घुमाता है और टायर पूरा इंजन को घुमाता है, बाइक स्टार्ट हो जाता है। फैन वाला पार्ट घूमता है, ये तो कवर रहता है, तो इसको कूलिंग करने के लिए ये वाला फैन की तरफ काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका इंजन हीट करेगा। सभी मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ये एक्चुअली आपका रोटर, तो ये रोटर सही है, और ये इसका गोलिया, ये प्लास्टिक के बूसेस हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई भी फटा हुआ हिस्से का साउंड आ रहा है तो ये चेंज कर दीजिए। और ये इसका स्टॉपर प्लेट, इसमें एक दो तीन रबर आते हैं इस तरीके से, ये आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके स्कूटी में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, मेन फंक्शन यही है, इसी के दौरान आपका बाइक में साउंड आता है और एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअली फिटिंग कैसे होता है। फिटिंग आपको ये वाला हब लेना है और ये रोलर देख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसमें डाल दीजिए, इस तरीके से लगते हैं, दो तीन चार पाँच और एक छः। और ये वाला जो सिस्टम है हर स्कूटी में होता है, हर स्कूटी में आपको ये खोल के मतलब 5000 किलोमीटर के अंतर अंतर इसको आपको क्लीन और ल्यूब करना पड़ेगा। अभी देखो, और ये प्लेट ऊपर से इस तरीके से लग जाएगा, दैट्स राइट, देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट इनपुट। अभी आपको इस तरीके से देखो साउंड करना है, अभी आपको चेक करना है कि इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है, तो इसको हमको रिपेयर करना पड़ेगा। अगर ये साउंड नहीं आ रहा मतलब ठीक है, करना ही है आपको इसको ओपन करना है और इसके और ये जो ग्रुप्स देख रहे इसको पेट्रोल या फिर केरोसिन से क्लीन करो, उसके बाद इस रोलर को ग्रीसिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला प्रॉब्लम का सलूशन होगा। पार्ट है, मुझे लग रहा है कि ये बाइक पहली बार मतलब सॉरी स्कूटी पहली बार ही खोला है। इसका जो बोल्ट वगैरह था जो मैंने खोला है बहुत ही टाइट था, कंपनी का टाइट था, तो ये पूरा पार्ट आपको पेट्रोल या फिर केरोसिन से अच्छे से क्लीन करना है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट है। और राइट, हमारा जो सारा पार्ट्स हमने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है, ड्राई भी कर लिया है, अलग भी दीवार जो चेम्बर है इसको भी हमने अच्छे से क्लीन कर दिया। देखो क्लीननेस, देखो क्लीनिंग इंजन में जितना खड़ा होगा अच्छे से बारीक बारीक से, उतना आपका बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा, उतना आपका इंजन का साउंड स्मूथ आएगा। तो यहाँ पर सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, अभी हम क्या कर रहे हैं करके इसको फिटिंग करेंगे और क्या करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कहाँ पर असेंबल होता है। जैसे ये क्लच हब है देख सकते हैं, इसको हमने पेट्रोल से क्लीन किया है, फिर केरोसिन से ये वाला पार्ट, बट ये वाला जो ब्रेक शू वाला पार्ट है इसको हमने क्लीन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सुखाना पड़ेगा। तो दो पार्ट, तो इस पार्ट को हमने क्लीन किया है बट इसको हमने क्लीन नहीं किया है, मतलब नॉर्मली पोंछ दिया है। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको हमने पेट्रोल से क्लीन किया है, इसके बाद ड्राई कर लिया है, अभी ये एक्चुअली इसके अंदर फिटिंग होता है इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका सेल्फ मेकानिज्म, यहाँ पर सेल्फ लगता है, तो इसको भी हमने क्लीन करा दिया है, सब कुछ ल्यूब करना पड़ेगा इसका कवर, बाकी सब कुछ हो गया है। उसके बाद इसको हमको ग्रीसिंग करना पड़ेगा स्पेशली, इसको हमने अच्छे से क्लीनिंग कर दिया है, अलग विथ जो सेल्फ का रैंचेड है, यहाँ पे देखो मोटर है, ये सेल्फ का मोटर, यहाँ पे सेल्फ रैंचेड रखता है, तो इस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले हम इसको इस ये जो सर्फेस है इसमें आपका क्लच शू चलता है, इसको हमें घिसना पड़ेगा इस तरीके से घिस के, क्योंकि ये ग्रिप ज़्यादा पकड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें तीन क्लच शू आते हैं, इसको ब्रेक शू नहीं बोलेंगे, क्लच शू बोलेंगे, और अगर ख़राब हो जाता है तो भाई महंगा पार्ट है बट ये सही है। तो ये वाला पार्ट एक दो तीन, इसको यही सैंड पेपर से स्मूथ कर दीजिए। नेक्स्ट हम बाइक में जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम आता है उसको खत्म करेंगे, इस रोलर असेंबली को फिटिंग करेंगे। हमने इसमें पपा देकर क्लीन कर दिया, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ग्रीसिंग करना, हल्का हल्का करके, हल्का हल्का ग्रीस लगा दीजिए। इसमें एक्चुअली तीन चार पाँच छः लगते हैं, छः रोल लगते हैं। अभी जो वाला गोलिया है इसको, इसको उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, एक एक करके इसको तो लगा दीजिए। दूसरा वाला, और इसको आप एक बार घुमा के चेक कर लीजिए, दैट्स राइट।
तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट फिटिंग होगा। अभी देखो कोई भी साउंड नहीं है, इसको हिलाने से कोई भी साउंड नहीं है, तो ऐसे ही होना चाहिए, मतलब एक ग्रीसिंग का कमल होता है। ये देखो इसके अंदर और भी जाएगा, ये देखो अंदर चला गया, बिल्कुल ये स्मूथ है। अभी इस सरफेस में आपको कोई भी ग्रीसिंग नहीं करना, देखो एक्स्ट्रा ग्रीस लग गया है, इसको आपको पोछ लेना है क्योंकि इसके अंदर बेल्ट चलता है, बेल्ट ऑलरेडी इसका काम कम्प्लीट होता है। ऑलरेडी सबसे पहले हमको ये वाला सिल्क का रैंचेड लेना है और इसमें हल्का सा ग्रीसिंग करना है, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब निकल ही तो जाएगा बाद में। और इस ग्रूव्स में ये वाला जो गरारे देख रहे हैं इसमें ग्रीसिंग करना है हमेशा, क्योंकि ये इसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, स्पिनियम के इसमें एक वाशर आता है, इसको हमको थान पर रखना है और देख लें, और देख लें कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखो रिटर्न ये काम करना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद इसको इसके ग्रूव्स में देखो यहाँ फिटिंग करना है, ये आपके सेल का मोटर, तो ये इस तरीके से जाएगा, तो इसके अंदर ये फिटिंग हो गया। उसके बाद ये वाला कवर हमने इसमें ग्रीसिंग कर दिया है, ये इस तरीके से जाएगा और ये वाला कवर भी फिटिंग हो गया। नेक्स्ट हमने ये वाला जो सिस्टम रेडी किया था, ये वाला पार्ट, इसके अंदर कोई बुशिंग वगैरह नहीं आता है, ये अंदर जाएगा इस तरीके से और इसको पकड़ते हुए से बाहर निकल जाएगा। बिफोर इंस्टॉलिंग बुश हल्का सा ग्रीसिंग एंड लगाएंगे। एंड नेक्स्ट अभी इसका हम बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट चेंज करेंगे, तो पिछला वाला बेल्ट एक्चुअली फट गया था, इस तरीके से आप करना है और यहाँ पे देखेंगे देखो एक लकीर बन गया, मतलब ये काम का नहीं है, साउंड करेगा, तो बेल्ट हम चेंज कर रहे हैं, न्यू लगा रहे हैं, होंडा का जेन्युइन। और इसका एम आर पी आपको दिखा देता हूँ, 2022 मैनुफैक्चर, 44 रुपीज़ देख सकते, 444 मतलब 444 रुपये। और जो होंडा लिखा हुआ पार्ट है देख सकते हैं, सीधा पढ़ पा रहे होंगे तो इस तरीके से ही लगेगा। ये तो ब्रांड न्यू बेल्ट है, देखो इसमें कोई भी लकीर वगैरह कुछ है नहीं, मतलब ये तो ब्रांड न्यू बेल्ट है। एंड इस वेरिएटर को या फिर क्लच असेंबली को लगाने से पहले यहाँ पर देखिए इसके अंदर बियरिंग आता है, तो सिर्फ बियरिंग के अंदर आपको हल्का सा ल्यूब करना है, हल्का सा, और ये पे जो नीडल बियरिंग है इसमें करना है, ऐसा ग्रीसिंग करना है। सबसे पहले इसका बेल्ट लगाते हैं इसके साथ, ये वाला पंखा, चीज है नोटिस करो, यहाँ पे देखो एक कट बना हुआ है, तो ये वाला कट इसके अंदर जाएगा। अभी देखो ये जगह नहीं है, बट इसको तो प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे ही लगा दिए तो ये की काम नहीं करेगा आपका। ये भाई देखो हल्का सा दांता निकल चुका है और जिस दांते में हम इसको फंसाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है बट करना पड़ेगा, अदरवाइज की फॉल्स हो जाएगा। देखो ये लॉक होगा, इधर घूम नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही रखते हुए इसका जो वाशर है वो लगाएंगे। उसके बाद ये 22 mm का नट, देखो घूम गया, देखो घूम गया, ऐसे नहीं चलेगा, फिर से प्रेस करना पड़ेगा। अब ये लॉक हो गया और इसको टाइट करना पड़ेगा, जब इसको हम टाइट करेंगे तो ये वाला पार्ट और पीछे चला जाएगा और ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। हाँ अभी लॉक हो गया। नेक्स्ट इसका ये वाला कटोरा हमने तो पॉलिशिंग कर दिया था, सॉरी अभी इसको हमने सैंडिंग तो कर दिया था और ब्रेक्स भी क्लीन है, अब इसको लगाते हैं, इस तरीके से लगेगा। और ये 19 नंबर का नट। अभी बारी है इन दोनों को फुल टाइट करने की।
ऑलराइट, हमारा ये वाला पार्ट इस तरीके से कंप्लीट होता है, हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ भी है, साउंड भी नहीं है और ये भी बिल्कुल स्मूथ है। और बेल्ट देखो ऑटोमेटिक इस तरीके से हो जाता है, जब आप बाइक रनिंग करते हो ना तो इस तरीके से हो जाता है। एंड अभी हम इसका कवर लगाएंगे। कवर लगाने से पहले ये जो देख रहे हैं किक का रैंचेट, इसको हमको ग्रीसिंग करना है, और ये जो दांता देख रहे हैं इसमें भी ग्रीसिंग करना है। फाइनली ये वाला जो कवर है, ये वाला इसके अंदर लगा देते हैं। एंड नेक्स्ट इसका हम एयर फिल्टर ब्रांड न्यू लगा रहे हैं, इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्टिवा का लगभग सेम है, 220 रुपये, होंडा का जेन्युइन यार इसके एयर फिल्टर। मेक श्योर इसमें एक ओरिंग हो, राइट। इस पार्ट का सब कुछ डन हो चुका है, अभी हम किक का उपयोग कर, किक वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, और बाइक स्टार्ट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसका हम ब्रेक शू बदलेंगे, उसके बाद हम इसका ऑयल ड्रेन गियर ऑयल भी चेंज करेंगे, और उसके पहले उससे पहले हम इसका ब्रेक शू बदल देते हैं पीछे वाला। 24 mm, सो ये इसका पीछे का व्हील, और जैसे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ इसका ड्रम हल्का सा कट रहा है, क्योंकि इसमें ब्रेक शू बहुत ही लेट लेट से चेंज हुआ है, और जो ब्रेक शू का हालत है यहाँ पे देखो लाइन बन चुका है, मतलब ये ब्रेक शू लास्ट स्टेज में होके ही भी, और ब्रेक शू देखो लाइन आ चुका है। जैसे ब्रेक शू एक्चुअली लोकल लगा हुआ है, एएस कंपनी का लोकल होता है लगभग, तो इसको हम चेंज करके ऑरिजिनल डाल दें, और ऑब्वियसली ब्रेक शू नहीं लगा रहे, ब्रांड न्यू ब्रेक शू। और अगर आपको होंडा का जो नहीं मिलता है तो इसमें हम सुपर स्प्लेंडर का जो ब्रेक्स हुआ था है हीरो कंपनी का ओरिजिनल, वो भी इसमें हम लग जा वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, इसलिए लग जाएगा। और अभी होंडा का प्राइस है थोड़ा सा कम है, 269 रुपीज़, बट अगर आप हीरो सुपर स्प्लेंडर लेने जाओगे तो उसका प्राइस है लगभग 290 रुपीज़। स्प्रिंग ऑलरेडी लग गया आ रहा है बढ़िया, और इसको ANL कंपनी सप्लाई करा है, ANL, और जो और इसमें ASK का लगा हुआ था, और ये एक्चुअली होंडा का जेन्युइन है, देखो स्टैम्प भी लगा हुआ है। इसको बहुत बढ़िया लगता है।